हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट विश चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो है डिटेल में देते रहता हूँ, तो आप प्लीज़ आखिरी तक देखते रहिए। मैंने अभी लाया है ये मार्क्यू का मेरा सेकंड टीवी है, जो मुझे बहुत पसंद आया। मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट 43 इंचेस फुल एचडी एलईडी स्मार्ट टीवी है ये। इसकी खासियत ये है, विथ अल्ट्रा थिन बेजल, यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे कि उसकी बॉर्डर जो है बहुत कम हो गई है। अगर आप देखने जाए टीवी तो आपको ग्लास जैसा लगेगा पूरा। तो वो डिज़ाइन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्मार्ट दी है इन्होंने। देखने लगे वहाँ पे आप वहाँ देख पा रहे होंगे तो सिर्फ 2 स्टार दिए हैं एनर्जी सेविंग में। वो बहुत बुरी बात है ऐसा, क्योंकि यह पता नहीं है। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप, फुल एचडी डॉल्बी ऑडियो, नीचे में एचडीएमआई सब दिया गया है और अल्ट्रा थिन बेजल दिया गया है। यहाँ पे क्या मिसिंग है मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक जो मुझे बहुत बुरा लगा वो फंक्शन मैं आपको बताऊँगा बाद में। यहाँ पे क्वाड कोर नीचे में है आखिरी में, देखिए, और यूट्यूब है, गूगल प्ले दिया है। जो इंटरेस्टिंग बात है, पहले के इसमें ज़्यादा गूगल प्ले, इसके बेसिक रेंज जो है 40 इंचेस 43 इंचेस इन्होंने लॉन्च किए थे उसमें नहीं था, तो ये इन्होंने ऐड किया, ये काफ़ी अच्छी बात है। और प्राइस भी कम है, उसी प्राइस रेंज में ये मिल रहा है। क्रोम कास्ट बिल्ट इन है, वो भी अच्छी बात है। तो ये रहा इसका बाहर का पैकेजिंग, जो नॉर्मल रहता है फ्लिपकार्ट का, उस पर वो ज़्यादा खर्चा करते नहीं हैं, जो अच्छी बात है। तो बॉक्स में क्या मिलता है जल्दी से हम देख लेते हैं। तो बॉक्स में ये चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे नॉर्मल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैनुअल है, जो जहाँ पे ऐप ये क्या है वो सब बताया गया है, और वॉल माउंट कैसा करें या टेबल माउंट कैसा करें इसके बारे में दिखाया गया है। ये नॉर्मली वॉल माउंट ब्रैकेट मिल जा रहा है इसके साथ, जो अच्छी बात है। शाओमी में आप देखेंगे मेरा पहला वीडियो था, उसमें वॉल माउंट नहीं दिया जाता है, उसके हमें चार्जेस लगते हैं। तो इन्होंने दे दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग किया है वॉल माउंट। मैं वो आपको दिखा दूंगा कि वॉल माउंट क्यों इंटरेस्टिंग है। और ये नॉर्मल सा वॉल माउंट के लिए मैनुअल दिया है फिर से। तो और इसकी सबसे अच्छी बात, रिमोट काफ़ी स्मार्ट दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का पहले ही बटन दिया गया है। मगर बुरी बात यह है कि मैं जब इसको फंक्शन प्ले कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। मैंने कंप्लेंट डाली है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जल्दी से होना चाहिए। जैसे हम दबाते हैं तो ये ब्लूटूथ पे चला जाता है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। बाकी तो यहाँ ने इन्होंने थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया है रिमोट में, आप देख पा रहे होंगे। तो होम है, मेनू है, सब अलग अलग, बैक एग्जिट यूट्यूब के लिए अलग, गूगल प्ले के लिए अलग, जो अच्छी बात है। यहाँ पे गाइड और सोर्स है, जो सोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोर्स दबाने के बाद वो साइड में सब फंक्शन आ जाते हैं, जैसे एचडीएमआई, ऑक्स है वगैरह वगैरह। और ये वॉल्यूम के लिए है, और ये चैनल चेंज के लिए वगैरह है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे नॉर्मल इसके लिए है, हम यूएसबी प्ले करते हैं इसके लिए है सब। बाकी टेक्स्ट एफएओ ऐड है ये बस। और यहाँ पे म्यूट का फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा सा देखीजिए, यहाँ पे करीबन एक रेगजिन टाइप इसका फिनिशिंग है, नॉट लेदर, रेगजिन जैसा रहता है उसी टाइप इन्होंने दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे नॉर्मल सा गोल्डन कलर का एक क्रोम टाइप इन्होंने फिनिशिंग दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो चमक रहा है। तो चलिए जल्दी से टीवी का भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले ही टीवी ओपन करके थोड़ा उसको बैक साइड पे लिटा दिया था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंटरेस्टिंग, ये देखिए ये वॉल माउंट दिया है, ये लॉक हो जाते हैं। नॉर्मल ब्रैकेट रहता है पीछे में, वहाँ पे लॉक हो जाते हैं, और अनलॉक करने के लिए ये आपको खींचना पड़ता है। तो इतनी मेहनत क्यों की ये पता नहीं, मगर स्मार्ट है। जो भी इन्होंने लॉक दिया है वो काफ़ी अच्छा है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सबसे पहले उल्टा सुला दिया था। और यहाँ पे पावर एसी इन के लिए ये दे दिया गया है पोर्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इन्होंने पीछे में बहुत ही कंजेस्टेड एरिया पे इन्होंने इसके पोर्ट दिए, ऐसा क्यों किया है पता नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एंटीना इन है, और सर्विस के लिए, इनके सर्विस के लिए दिया है। ये अच्छा है कि डिजिटल ऑडियो आउट दिया है, यानी ऑप्टिकल केबल दे दिया है। केबल इसके साथ नहीं आता है, मगर पोर्ट दे दिया, अच्छी बात है। HDMI 2 है, HDMI 3 है, और लैन है, और वीडियो है, और AV के बटन दिए। मगर यहाँ पे क्या मिसिंग है, सबसे बुरी बात जो है वो है ऑक्स मिसिंग है, ऐसा क्यों किया है पता नहीं। और दूसरी बात मिसिंग है HDMI ARC, जो काफ़ी बुरी बात है फिर से। HDMI ARC यहाँ पे है ही नहीं। और बाकी हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे साइड में पोर्ट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे
थोड़े साइड व्यू में यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यूएसबी पोर्ट दिया है, यहाँ पे एचडीएमआई दिया है और यहाँ पे यूएसबी दिया है, बस इतने ही साइड में इन्होंने पोर्ट दिए हैं, बाकी तो यहाँ पे पीछे दिए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये स्मार्ट थोड़ा जो आपको मैंने दिखाया वॉल माउंट दिया गया है और ये यहाँ पे सपोर्ट दिए गए हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने टेबल माउंट के लिए दिए हैं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको जोड़ दिया है फिर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं जो आपको बता रहा था, देखिए सेविंग का इन्होंने बहुत ही कम दिया है, स्टार का पता नहीं क्यों। चलिए जल्दी से इस टीवी को फ्रंट साइड से देख लेते हैं। तो इस तरीके का इसका फ्रंट व्यू है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम फाइन है, जैसे इसको जैसे ग्लास जैसे दिखता है। हम इसको ऑन कर देते हैं जल्दी से, देखिए यहाँ पे नीचे पे ग्रीन लाइट लग गया है यहाँ पे इस साइड में। देखिए इस तरीके का इसका फर्स्ट लुक है, आप देख पा रहे होंगे एच टू एच दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते कि और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए। सबसे टॉप से चालू करते हैं, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे माइक्रोफोन का जो अपना गूगल असिस्टेंट का साइन है, मगर वो हो नहीं रहा है क्यों पता नहीं। और ये क्लिक टू टाइप, यानी अगर आपका वो माइक्रोफोन से काम नहीं कर रहा है तो आप टाइप कीजिए। इनपुट्स दिए गए, इनपुट्स में जाते हैं तो यहाँ पे इनपुट्स दिखाए जाते हैं कि HDMI 1, HDMI 2 या किससे कनेक्ट है। और यहाँ पे साइड में कुकीज़ दिया, और यहाँ पे सेटिंग्स में हम अगर जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे टीवी सेटिंग है जो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है पता नहीं। नेटवर्क में तो मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने वाईफाई से। इनपुट्स है, अभी आपको दिखाया था गूगल कास्ट है। साउंड है, साउंड में नॉर्मली इसका सिस्टम साउंड और सराउंड साउंड है। ऐप्स है, ऐप्स अगर हम वहाँ पे दिख ही जाएगा आपको, देखिए मैंने हॉटस्टार ये कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। स्क्रीन सेवर, स्टोरेज एंड रीसेट, अबाउट, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, होम स्क्रीन, गूगल असिस्टेंट जो मैंने आपको बताया था, और ऐड नेसेसरी। यहाँ पे आप ब्लूटूथ को डायरेक्ट अटैच कर पाते हो, बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर लोकेशन है और नॉर्मल गूगल अकाउंट है जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ ऐप्स में हमको क्या क्या मिलता है। लाइव टीवी, मीडिया, ई मैनुअल, यूट्यूब ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल था, और गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी इतना दिया गया है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, कोई प्रॉब्लम, जैसे प्ले स्टोर हमने दबा दिया तो देखिए इस टाइप के इन्होंने जो अवेलेबिलिटी है वो दिखाए जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ काम के तो मुझे दिख नहीं रहे, टेड वगैरह है, VLC जैसे, ये जो भी प्रोवाइड कर रहे वही आप डाउनलोड कर पाओगे। मैंने हॉटस्टार कर दिया, हॉटस्टार तो आपको मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें से डाउनलोड कर पाओगे। ये यूट्यूब हमने ओपन कर लिया देखने के लिए क्लियरिटी। हम एक काम कर लेते हैं, हम एक नॉर्मल सा ट्रेलर देख लेते हैं और फिर एक सॉन्ग सुन लेते हैं, यानी आपको क्लियरिटी का अंदाज़ा आ जाएगा। क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रेलर है ये 4K में, आप देख लीजिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे है, ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, इससे रियल में काफ़ी अच्छे है। तो इस टाइप का ये क्लियरिटी है, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आया है, गूगल असिस्टेंट का जो बटन है जो हम वॉइस कमांड देते हैं वो अभी तक काम नहीं कर रही है, इसके लिए मैंने कंप्लेंट डाली है, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो हम एक गाना भी सुन लेते हैं कि उसका साउंड क्लियरिटी कैसी है। इसलिए
तो ये एक वीडियो था जो मैंने आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग दिखाई है कि कैसे इसका साउंड क्लियरिटी है, आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रूम के लाइट्स जानबूझ के बंद किए थे क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन ना आ पाए और आपको क्लियरिटी दिखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और एक आखिरी बात रह चुकी है, मैंने इसको सिर्फ 22,000 में ख़रीदा है, आपको सेल में करीबन 20,000 में भी ये मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।